नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर रोजगार समाचार उपलब्ध कराते हैं सरकारी नौकरियों पर आधारित। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे के द्वारा टेक्नीशियन टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 के अंतर्गत सिग्नल वर्कशॉप ओपन लाइन के पदों के लिए रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत जो भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इन पदों को ऑनलाइन मोड में दोबारा ओपन किया गया है, रीओपन कर दिया गया है। लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है 14,298 पदों के लिए। तो संपूर्ण जानकारी एक बार फिर से इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे के द्वारा जो यहाँ आप वेब पेज देख रहे हैं रिक्रूटमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ विभिन्न जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है, जिस बोर्ड के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट उस बोर्ड पर आधारित दिखाई देंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 और टेक्नीशियन से संबंधित यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, तो उसे आप डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन पदों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2/2024 जारी किया गया था, जिसकी अंतिम तिथि अप्लाई करने की आवेदन से संबंधित खत्म हो चुकी थी, जो कि पहले अंतिम तिथि थी 8 अप्रैल 2024। लेकिन एक बार फिर से इन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक ओपन कर दिया गया है। उस कंडीशन में अब जो नई डेट जारी की गई है रेलवे के द्वारा, अब रीओपन किया गया है इन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 16 अक्टूबर 2024 तक अब आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे इस परीक्षा के लिए बाद में इसकी सूचना दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को ₹500 पेमेंट करनी है, एससी एसटी पीएच वर्ग को और सभी वर्गों की महिलाओं को ₹250 फीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा उसमें शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस को ₹400 फीस रिफंड कर दी जाएगी, जबकि एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट्स को उनकी सारी फीस ₹250 उनके बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उपलब्ध करानी होगी। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। अन्य माध्यम से फीस पेमेंट नहीं की जा सकती। अगर आपने ऐसा किया तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। आयु सीमा जो होगी टेक्नीशियन के पदों के लिए 1 जुलाई 2024 के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम आयु टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 33 साल रखी गई है, जबकि मैक्सिमम आयु टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल कैडर के लिए 36 साल रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में एससी एसटी को 5 साल की छूट होगी, ओबीसी को 3 साल की, भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल जो पदों की संख्या है 14,298 है, जिनके लिए आप एक बार फिर से आवेदन कर सकते हैं अगर आपने इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया था अभी तक। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के 1,092 पद हैं। आवेदक के पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए साइंस में, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर बीएससी की डिग्री, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन या बीई बीटेक की डिग्री 3 साल की या 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ऊपर दिए गए इन स्ट्रीम्स के अंतर्गत होना चाहिए। टेक्निकल ग्रेड 3 ओपन लाइन के टोटल पदों की संख्या है 8,052। यानी आप देखेंगे यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सेम है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्कशॉप और पीएसयूएस के लिए, जिसके अंतर्गत 5,154 पद हैं। आवेदक ने इन पदों के लिए 10th क्लास पास की हो, उसके साथ आईटीआई सर्टिफिकेट जो कि एनसीबीटी या एससीबीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए।
एक बार पदों की संख्या यहाँ कैटेगरी वाइज भी एक नज़र डाले लेते हैं। आरआरबी इलाहाबाद टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल के अनरिजर्व के 38 हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं, ओबीसी के 9 हैं, एससी के 10, एसटी के 3, टोटल हैं 74। टेक्नीशियन ग्रेड थी 299 अनरिजर्व, 70 ईडब्ल्यूएस, 173 ओबीसी, 99 एससी, 46 हैं एसटी, टोटल 687 हैं। वर्कशॉप में अनरिजर्व के 104, ईडब्ल्यूएस के 23 और यहाँ देखेंगे 78 हैं ओबीसी के, एससी के 34 हैं, एसटी के 15, टोटल हैं 254। तो इस तरह से दोस्तों अन्य रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्डों के अंतर्गत भी आप वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज और टोटल पोस्ट वाइज। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम सारे बोर्ड की कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी डिटेल है वो आपको नहीं बता रहे हैं, आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है तो अंतिम तिथि जो कि बढ़ा दी गई है 16 अक्टूबर 2024 तक, ये अंतिम मौका आपको दिया जा रहा है। आप भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो भारतीय रेलवे के अंतर्गत टेक्नीशियन और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 सिग्नल वर्कशॉप ओपन लाइन के पदों के लिए आप 16 अक्टूबर तक जरूर आवेदन कर दें। अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है, आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट कर दें। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमने आपको बताया, टेक्नीशियन के जो ये पद हैं रेलवे के अंतर्गत, बहुत दिनों बाद कोविड के बाद पहली बार ये पद आए हैं। अगर आपने भी पहला चांस, यानी पहली जो अंतिम तिथि थी 8 अप्रैल तक, उस केस में आवेदन करने से चूक गए थे तो ये आपको सेकेंड चांस दिया जा रहा है, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे पद हैं, बम्पर पद हैं, जो कभी इतने आते नहीं हैं, तो इस चांस को अपने हाथों से ना जाने दें। आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को हर हाल में सबमिट करा दें 16 अक्टूबर 2024 से पहले पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।